कांग्रेचुलेशंस सर, थैंक यू। इसके पहले भी 3 सॉन्ग रिलीज हुए, काफी अच्छा प्यार मिल रहा है दर्शकों की तरफ से। आज आपका फोर्थकमिंग सॉन्ग है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? मैं बहुत खुश हूँ दैट मैंने जो पहले भी गाने थे बहुत अच्छे हुए, हिट हुए, जो 3 मिलियन प्लस व्यूज़ के ऊपर गए हैं, और आज यस्टरडे भी रिलीज़ हुआ। तो यस्टरडे एक ब्रिटिश रॉक बैंड ने फॉर्म किया था, बीटल्स ने फॉर्म किया था गाने को, 1965 में रिलीज़ हुआ था। एक बहुत ही मॉन्टेलिन बैलेड का जंजे का गाना है, और हम लोगों ने ज़्यादा गाने को छेड़छाड़ नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा डाला है, वायलिन डाला है और गिटार डाल के हमने बनाया है। जब हम लोग यशराज स्टूडियोज में जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे ये गाने के साथ, तो ये गाना बहुत मैं ऑलमोस्ट रो दिया था फर्स्ट टेक में, क्योंकि गाना बहुत ही इमोशनल है और मेरे दिल को बहुत टच कर दिया, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर को ये गाना बहुत पसंद था, उनका मोस्ट प्रिय गाना था ये गाना, और जब भी और मैं उनका हर समय ये गाना सुनाता था। और ये गाना बिकॉज बीटल्स एक बहुत ही वर्सेटाइल बैंड है, और जो लिरिक्स लिखा है पॉल मैकार्टनी जी ने और जॉन लेनन जी ने, इतना इतना खूबसूरत लिरिक देखा और इतना इतना मेलोडियस धुन है, तो कोई भी अपने रो देगा। वेल ये अनरियल है, क्योंकि मैं गाना शुरू किया था 2 साल में, और मेरे दादू ने सिखाया था पहला गाना, और दादू ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था जब मैं 4 साल का होता था, उन्होंने यस्टरडे फर्स्ट गाना यस्टरडे में सीखा था, और दादू ने बोला था दादी बहुत फीलिंग्स वाला गाना है इसको, आप बिकॉज ये यूनिवर्सल गाना है, बिकॉज 1965 में बना था गाना और अभी भी चल रहा है, आप देख सक रहे कितना इम्पैक्ट है एक गाने के ऊपर, मतलब इतना फेमस है, अब आज ये हम लोग के जनरेशन के लोग भी गा रहे हैं, तो आप देख सके इतना को। और दादू के साथ शो सेम अगर कोई स्टेज शेयर करेगा तो अनरियल होगा, बिकॉज दादू के साथ दादू इज़ नॉट ह्यूमन बींग, ही इज़ लाइक अ गॉड, वो उनका जो ऑरा था, प्रेजेंस था स्टेज में, वो फायर लगा रहे थे, जब घुसते थे तो लोग पागल चिल्ला रहे बप पीदा, तो उनके ऐसे कोई बन नहीं सकता। और मैं बहुत खुश हूँ दैट मैं उनका ग्रैंडसन बना, उनके फैमिली में आया हूँ, और आप लोग प्लीज़ ये गाना व्यू करिए मेरे यूट्यूब चैनल में और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दादू मुझे 3 चीज़ हम पहला क्वेश्चन बोले, दादू मुझे 3 चीज़ बोलते थे, दैट सिंपल रहने के लिए, काइंड रहने के लिए और हम्बल रहने के लिए, बिकॉज दादू इतना गोल्ड पहनते थे बट कितना सिंपल रहते थे, कितना लोगों के लिए किया है दादू ने, हम छोटे से छोटे बड़े से बड़े लोगों के लिए भी गाते थे, उनको नचाते थे, उनको उनका दिन बना देते थे। और दादू के तो हर गाने मुझे मालूम है, बिकॉज हम लोग के रग रग में, बिकॉज दादू के गाने जब तक जीवन रहेगा इस पर धरती में, तब तक दादू के गाने रहेंगे ही रहेंगे। इसी बात पे और एक चीज जो हमने अभी काफी पिछले दिनों में देखी है कि आप उनको एक ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं एज अ डिस्को, तो उसमें भी काफी सारे उनके सॉन्ग्स है जहाँ पे हमने देखा है कि आप वहाँ पे डांस भी कर रहे थे, आपको कैसा लग रहा है उस? तो ये फ्राइडे को हम लोग का डिस्को डांसर म्यूजिकल, आपको मालूम होगा दादू का जो 1982 में रिलीज हुआ था डिस्को डांसर का फिल्म, उस सारे का पापा और सुनील शेट्टी जी वापस लेके आ रहे, रिक्रिएट करे फुल म्यूजिकल ड्रामा के साथ, और ये पूरा और सारे गामा जी और सुनील शेट्टी जी लेके आए हैं, ये लंदन में प्रीमियर हुआ था, ब्लॉकबस्टर हुआ था, सोल्ड आउट टिकट्स हुए थे, और ये आज हम लोग के आमची मुंबई में आ रहा है, तो मैं इतना खुश है हम लोग। और आपको मालूम है डिस्को डांसर जो फिल्म था उसमें दादू के जो सब गाने थे, 7 गाने जो डिस्को डांस याद रहते रहा प्यार अव्वा अव्वा कोया नाचे नाचे और गोरो के ना गालो की सब गाने इतने हिट थे, और अभी भी चल रहे, तो आई नो दिस बहुत हिट होगा, और 14 to 23 अप्रैल के साथ चलेगा। जैसे कि हमने देखा कि रिहर्सल के टाइम आप भी थोड़े बहुत स्टेप्स वगैरह कर रहे थे, तो इस गाने में आपका एक ऐसा कौन सा फेवरेट स्टेप है जो आपको काफी पसंद है?
ये गाने का जो मेन हुक स्टेप है, डिस्को डांस का जो हुक स्टेप है, मुझे बहुत वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो एंड द वे जो सलीम सलेमान जी ने जो रिक्रिएट किया है म्यूज़िक, वो मुझे इतना पसंद आया है। और जो ग्रूवी जो ट्रैक्स बनाए उन्होंने, और एकदम नाचने का मन करता है। और जो फेमस स्टेप उनका जो डिस्को डांसर स्टेप है, वो सबसे अच्छा है। और मेन स्टेप सबसे अच्छे बट डिस्को डांसर का जो ग्रूवी स्टेप है। आप देखने जाओ तो नाइन सॉन्ग में से नाइन सॉन्ग ही मेरे फेवरेट गाने हैं। बस सबसे फेवरेट गाना यस्टरडे है, क्योंकि वो क्योंकि इतना टचिंग गाना है, क्योंकि इतना इमोशनल गाना है। और उनका लिरिक्स कितना अच्छा है, यस्टरडे ऑल माई ट्रबल सीम्स अ फार अवे, किसी के लिए गा रहे हो तो जब गाते हो ना तो एक फीलिंग्स आता है हार्ट में, तो उससे हम भावुक हो जाते हैं। Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Yeah, yeah. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप अपने दर्शकों के लिए एक जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपको पसंद करें, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मेरे दर्शकों लोगों को बोल रहा था, इट्स सब प्रैक्टिस है माइंड, आप मेहनत करोगे तब आगे बढ़ोगे, ये मेरे दादू मुझे बोल के गए हैं। और आप लोग प्लीज़ अभी व्यू करें मेरे गेस्टेड गाने को, आज रिलीज हुआ है। आप मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू, थैंक यू।